नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सिमरा, जो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, उस ग्राम पंचायत के एक वार्ड में, जहां तमाम लोग बैठे और इन लोगों से चर्चा करते हैं कि आने वाला समय किस जो विधानसभा के लोग हैं वो किस विधायक के पक्ष में अपना जनादेश देने के पक्ष में है। और यही चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं कि आखिर ये जो आने वाला चुनाव है उसमें लोग क्या सोचते हैं। चाचा, क्या नाम है? बालकृष्ण राजपूत। तो राजपूत जी, इस बार क्या आपकी सोच है इस चुनाव को लेकर? वोट देने वालों को तो वोट किसको देना है? तो भाजपा को दें। तो ऐसा क्यों कि भाजपा को देंगे, जबकि आपके गांव में रोड की स्थिति खराब है, सब कुछ खराब है, फिर पंचायत से नहीं हो रहा काम? अच्छा, ग्राम पंचायत से काम। और सरकार फिर ऐसा क्या करवा रही है? सब कर रही, नल जल योजना चल रही, काम हो ही रहा है, नल जल योजना चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चल ही रही योजना जी। लेकिन हम लोग जब गांव में आए तो यहां से लगकर के अंत तक आपके यहां रोड की स्थिति बड़ी खराब है, पानी चारों तरफ बह रहा है, तो इस संबंध में आप लोगों ने विधायक जी से कहा? रोड होगा मंजू चालू, काम हो रहा। कब तक होगा? होगा चालू। बीते 20 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है, आप कह रहे हैं हम भाजपा से, जब से नहीं सुना, अब सुना है? चलिए, खैर लोग हैं, बुंदेलखंड के हैं। चाचा, क्या नाम है? आसाराम यादव। तो आसाराम जी, इस बार किसको वोट देने का आपका विचार है? शिषपाल यादव। तो ऐसा क्यों कि शिषपाल यादव? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ जो पहले पकड़ें होती थी, मर्डर होती थी, ये सब बंद हो चुके हैं, इसलिए भाजपा की सरकार नीचे से केंद्र तक चाहती, मतलब गुंडई से राहत। हाँ, गुंडई से राहत है। तो ऐसी क्या गुंडई आपके क्षेत्र में हुआ करती थी? ये पूछो कि क्या नहीं हुई, तो उनके राज में मोटर चोरी हुई, मर्डर हुए, लूटे हुई, अपहरण हुए, हफ्ता वसूली हुई, यानी कांग्रेस के राज में सब कुछ हुआ। तो यहाँ गांव लेवल पर भी हफ्ता वसूली? हाँ, हमारे यहाँ पकड़े हुई जी। हाँ, और अधिकतर कुशवाहाओं की करवाई गई, उनसे दाम भी लिए गए। आज हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ सब बंद हो चुका है। आज सिमरा में नितिन सिंह राठौर एक जन चौपाल लगाए हुए हैं, वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि हम लोगों को वोट दीजिए और हम लोग आप लोगों का विकास कराएंगे। तो नितिन सिंह राठौर को तो अब तक मौका आप लोगों ने दिया नहीं है, पिताजी उनके रहे वो अलग विषय था, लेकिन मैं पूछने का आपसे ये प्रयास कर रहा हूँ कि क्या अब नितिन सिंह राठौर को भी आप लोग बृजेंद्र सिंह राठौर के रूप में ही देखते हैं कि वो भी आकर वही करेंगे? लड़का की आए मैं बृजेंद्र सिंह राठौर है, तो पहले उनके परिवार में जो हुआ जी, पहले उनको बहताओ तो भुगतें, जैसे हम गलत करें तो हम ही भुगतें, हमारा बच्चा भी तो भुगते हैं। लेकिन अगर आप लोग बृजेंद्र सिंह राठौर इतना गलत करते रहे, आप जो बता रहे हैं, हाँ। तो फिर ऐसा क्योंकि 1953, 2003 और 2008, 2018 लगातार चुनाव में उन्हीं को चुनते चले आए, आपके पूर्वज रहे हैं, बेईमानी से हमेशा बनते रहे, ईमानदारी से बने कबे हैं। तो बेईमानी क्या होती थी? बेईमानी हर चीज में, हर जगह धांधली होती थी, बूथ कैप्चिंग होती थी, अब वो नहीं हो रहा है। मतलब शिषपाल यादव के आने के बाद चूंकि सरकार में वो चुनाव लड़े, इस वजह से? नहीं, शिषपाल की आने के बजाय से अब ये सब बंद हो गया, हफ्ता वसूली बंद हो गई, गुंडियाई बंद हो गई, हर चीज बंद हो गई। लेकिन नितिन सिंह राठौर ये भी कहते हैं कि उपचुनाव हुआ और सरकार के उसमें हुआ, तो उस वजह से हमें हरा दिया गया। नहीं, तो आपके जो पिछली बार जीते थे शिषपाल, उसे दूने बोटन से इस बार जीतना है, आप देख लेना। जब चलिए लोगों की राय है, खैर पिछली बार आधे वोटों से जीते थे, इस बार डबल वोटों से जीतेंगे। ये क्या नाम है? सोनू गुप्ता नाम है भाई। तो गुप्ता जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? शिषपाल भैया का है भाई सर, इस बार पूरा माहौल है हमारे क्षेत्र में, जन जन की यही पुकार, शिषपाल भैया आपकी बार फिर से है। तो ऐसा क्यों लगातार लग रहा है कि शिषपाल भैया आपकी बार? क्या ऐसा शिषपाल सिंह जी ने यहाँ किया है कि आप लोग कह रहे हैं शिषपाल यादव भैया का नहीं करो? उन्ने साहब, हमारे यहाँ थाने में जो हफ्ता वसूली चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, बानियों से हफ्ता लिया जाता था, ये सब बंद करा दिया उन्ने साहब। आज भय का वातावरण नहीं है, हम लोग रात के 12-12 बजे तक घूमते हैं। लेकिन इस भय के वातावरण में 93, 98, 3, 8 और 18 पांच बार आप लोग बृजेंद्र सिंह राठौर को चुनते हैं, एक बार करीबी अंतर से वनिता नायक से चुनाव को हारते हैं 2013 में, तो क्या उस समय ये डर का माहौल नहीं था? नहीं, यहाँ से कभी कांग्रेस नहीं जीती हुई भाई साहब जी, यहाँ से हमेशा बीजेपी जीती हुई है। हम लोग जहाँ भी पूछते वहीं कहते हैं हमारे यहाँ से कभी कांग्रेस नहीं जीती। आप कांग्रेस यहाँ का, आप यहाँ का रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, आपके पास तो सब कुछ होगा, यहाँ से कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं जीती हुई, हमेशा बीजेपी जीतती है साहब। तो इस बार आप लोग के किस वजह से आप लोग ये कह रहे हैं कि शिषपाल सिंह यादव को हम विधायक बनाएंगे? शिषपाल सिंह को बनाना ही हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य कि वो वहाँ से आके हमारे यहाँ लड़ रहे हैं,
ये कमेगा साहब। आज हमारे यहाँ पंडितवाद का माहौल खत्म कर दिया उन लोगों ने साहब। अभी लोग आप हम आपको आपको बताएं कि अभी हमारे साथ एक समस्या घटी, यहाँ के पंडितों ने हमें मिलके समाज से बंद कर दिया साहब, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारे यहाँ शंकर जी का सभाचन था 13 तारीख को, 12 तारीख को रात को पंचायत जुड़ी गई, जिसमें हमें 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। पंडितों का कारण है जी साहब, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब जिसमें। तो अब आप इसमें राहत मान रहे हैं कि सुषपाल सिंह के आने के बाद राहत मिली है? राहत पूरी मिली है भाई साहब, वे सबका सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ आए थे भी कत्ते लोग, हमारे आपके यहाँ प्रसाद पाया रुके, हमारे यहाँ हमारे गाँव के किसी भी कोई लोग नहीं आए हमारे यहाँ खाना खाने के लिए। कम से कम भाई जब 2000 आदमी का खाना बर्बाद हुआ हमारा। चलिए खैर, लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये क्या नाम है? आकाश गुप्ता। तो गुप्ता जी, इस बार आपका क्या विचार, चूंकि आप अभी रास्ते में मिले थे, आप कह रहे थे हम राजनीति से दूर रहते, लेकिन राजनीति से दूर रहना भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप राजनीति से लगातार दूर हैं। चूंकि युवा हैं, आने वाला देश युवाओं से ही बनता है, युवा देश के भविष्य होते हैं। तो आपका क्या जनादेश होगा अगर मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, आपका क्या रुझान? ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अब तो भाजपा की सरकार ठीक है। तो प्रतिपुर में कौन ठीक है? सतपाल यादव। तो सुषपाल यादव को ही आप चुनना चाहते हैं? जी। तो ऐसा क्या सुषपाल यादव ने आपके हिसाब से किया है? जिस हिसाब से अभी भैया ने बताया कि बंद कर दिया गया, अगर वो नहीं होते, वो सपोर्ट में नहीं होते तो गांव से भी निकाल सकते थे। बामनों की जितनी राजनीति है यहाँ पे पंडित लोगों की, कि उस हिसाब से कुछ कहना उचित नहीं बैठेगा। अगर वो एक यादव हो गए भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब यादव हो के सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे समाज के हैं या बैस के हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे काफी इफेक्ट पड़ता है मैंने मानव जीवन पे। मतलब चलो बिहार में सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी समाज बराबर हैं कानूनी पॉइंट पे। तो विधायक जी, इस बार जो आने वाला चुनाव है उसमें आप किसको चुनने, मतलब विधायक जी को चुनने जा रहे हैं? जी सतपाल, दूसरी बार जी। चलिए और भी लोग हैं, भैया क्या नाम है? मेरा नाम करियांश राजपूत। तो राजपूत जी, इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? माननीय सतपाल यादव जी को। तो ऐसा क्यों कि सुषपाल यादव? क्योंकि भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, काम के हिसाब से आप वोट देंगे। तो बीते दिनों में अभी सुषपाल सिंह यादव अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा अच्छा काम कर रही है, हमेशा से कर रही है? नहीं, भाजपा सरकार ने पहले से भी काम अच्छा किया है। तो फिर पहले से वोट क्यों नहीं देते थे? नहीं देते थे, क्यों नहीं देते? तो फिर यहाँ से बृजेंद्र सिंह राठौर हमेशा जीता करते थे, कहाँ जाते थे आप लोगों के वोट? हमारे लोग भाजपा सरकार को। तो अब तो सभी लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार को जाते, तो फिर कांग्रेस पार्टी कौन वोट देता था कि लगातार वो जीतते? कुछ लोग हैं जो देते थे पहले, कुछ लोग क्या ज्यादा लोग थे वो? हाँ होंगे। तो अब की बात इस समय की बात है कि अभी भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इस समय भाजपा ही को देने के लिए मन कहता है, और किसी सरकार को कोई काम नहीं कर, ना कुछ किया है आज तक उन्होंने और ना कुछ करेगी, केवल जुमलेबाजी कहती है। जैसे अभी पिछले बार कमलनाथ जी ने कहा था 5 दिन में, राहुल गांधी जी ने कहा था 5 दिन सरकार बनते ही 5 दिन में ऐसे गिनना 1, 2, 3, 4, 5 और किसान का कर्जा माफ। आज भी किसान रो रहे हैं, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कि हमारे गांव में जैसे मैंने खुद देखा है अपने गांव में कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। चलिए आपसे एक और बात जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बात को सुषपाल सिंह यादव लगातार कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंडई थी जो हमने आके समाप्त की। तो आप चूंकि एक आम आदमी होने के नाते आपकी क्या सुनती, क्या इस पृथ्वीपुर विधानसभा में गुंडई थी या नहीं थी? थी, गुंडई थी। थी तो फिर आज वो उसको कौन तो समाप्त हो गई, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई, हमेशा के लिए? हाँ। आप तो कौन से लोग गुंडई किया करते थे? वही कुछ जाने माने बड़े बड़े नेता हैं, मतलब जिनके खिलाफ आज भी आप बोलने से कतरा रहे हैं? हाँ। चलिए खैर, लोग हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। चाचा, इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊँगी स्थिति ये है, ना तो यहाँ बीजेपी का चुनाव है ना कांग्रेस का चुनाव है। एक तरफ जो हैं सामंत शाही लोग हैं, एक परिवारवाद की राजनीति करते चले आ रहे हैं निरंतर कई वर्षों से, उसके अलावा कोई दावेदार नहीं कर पाता है उस पार्टी से। दूसरी तरफ जनता विकल्प के रूप में यहाँ डॉक्टर शिशुपाल को देखती है, तो डॉक्टर शिशुपाल ही एक ऐसा विकल्प दिखाई देते हैं के जो इन पर लगाम या अंकुश, जितने भी ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, इन पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ जब चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, पूरे सरकार के मंत्री यहाँ पड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री की 7-7 सभाएं होती हैं, उसके बाद भी नितेंद्र सिंह राठौर 60,000 वोट यहाँ पर लाते हैं, तो वो 60,000 वोट क्या थे? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। नितिन सिंह राठौर 60,000 वोट लाते हैं, तो मैंने कहा यार कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव तो है ही नहीं,
यहाँ एक तरफ पूरा सामंतवाद है। सामंतवाद का कहने का मतलब, जैसे आपके ये सर हैं गोस्वामी जी हैं, मैं कहूँगा ब्राह्मण समाज से, आप बुरा मत मानिएगा, तो जैसे ब्राह्मण समाज है तो वो कहती हम परशुराम के वंशज हैं जी, अच्छी बात है। हम भी कहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं किसी के अपने महापुरुषों के वंशज हैं, सभी लोग हैं। तो सुनील नायक की जब हत्या हुई तो उनको क्या मानते हैं अपन? वो भी तो परशुराम के वंश, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरे ब्राह्मण विरोध में हैं। जो सामंतशाही लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जो लुप्त हैं, यहाँ इतनी दबी हुई आज भी इस पंचायत में सच को सच कहने की किसी की औकात नहीं है, सच को सच नहीं कह सकता है। तो यहाँ जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कई मंत्री डले रहे हैं, तो मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता दूँ कि हरिशंकर शर्मा जो दुमदमा की पंचायत है, वो बीजेपी का काई पदार्थ का ही रहा है, का ही कहता है, और वही अपनी बूथा है, उसके यहाँ पांच पांच मंत्री भी लेटे रहे। तो ये जो मैसेज है जनता में ये गया कि यार ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों को नहीं कह सकते, ये कैसा ब्राह्मणवाद है कि तुमने आज तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया, तुम्हारे घर में पांच मंत्री आए, तुम अपनी बूथ नहीं जिता पाए, अपनी ग्राम पंचायत नहीं जिता पाए जहाँ से तुम सरपंच आए। ऐसा ही यहाँ अनिल पांडे, जहाँ शिवराज सिंह चौहान आए, शिवराज सिंह इस पंचायत में उनके घर पर गए। ये पंचायत जो है करीब यहाँ 4500 मतदाता है इस ग्राम पंचायत, चूंकि मैं भी इस चुनाव लड़ता हूँ, हर बार दूसरे नंबर पर रहता हूँ, एक बार सरपंच भी रहा हूँ यहाँ से। तो अनिल पांडे का क्या है कि वो अपनी दो बूथ है, यहाँ पांच बूथ हैं, तो वो अपनी स्वयं की बूथ नहीं जिता पाए, वो खुद की बूथ हार गए थे। तो ये एक तरफ वो कहने के लिए भाजपा के हैं, और दिन में भाजपा के और रात में कांग्रेस का काम करते हैं, सच्चाई ये है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ कि पृथ्वीपुर विधानसभा में नितिन सिंह राठौर लगभग तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उनके खिलाफ में सुषपाल सिंह यादव मजबूत कैंडिडेट होंगे या गणेशी लाल नायक मजबूत कैंडिडेट होंगे या अनिल पांडे मजबूत, क्योंकि तीन चार लोगों ने टिकट का आवेदन किया, तो आप मजबूत किसको मानते हैं? देखो अनिल पांडे तो अपनी बाढ़ नहीं जीत पाएंगे, कहो तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं ग्राम पंचायत से, अभी जो शर्त हो बीच चौराहे पे जो सजा देना चाहे उसके लिए मैं सुन तैयार हूँ भुगतने के लिए। अब वो किन परिस्थितियों में चुनाव जीते आपको पहले बता दूं, ग्राम पंचायत का चुनाव लाखों रुपया खर्च, करोड़ों रुपया का यहाँ भ्रष्टाचार है, 3 करोड़ से अधिक का इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, किसी मीडिया वाले की, किसी तहसीलदार की, किसी सीईओ की, किसी एसडीएम की, किसी कलेक्टर की, किसी की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके खिलाफ काम करने की। मैंने कई यहाँ से हाईकोर्ट तक उसने हर चीज़ को लिखित में दिया है प्रमाण सहित, कई लोग यहाँ इतने के जिनका मर्डर हुआ, हत्याएं हुई, मर गए, उनके बैंक में अकाउंट खुल गए, खाते से पैसा निकल गया है, आज भी 11 लाख। अब ये क्या होता है कि यहाँ जो जैसे मैं लेकिन एक चीज़ इसी में कॉमन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी भी तो उतनी ही जिम्मेदार है जितने अनिल पांडे हैं। नहीं तो यही तो बात है, यही तो बात है, क्या है कि पार्टी डॉक्टर हम लोग व्यक्तिगत जो शिष्यपाल के आदमी हैं, करीब 20,000 लोग, गरीब अमीर सभी वर्ग के, सभी तबके के ऐसे लोग हैं जो दिल का रिश्ता है, दल का नहीं है। हम लोग उनसे दिल का रिश्ता रखने वाले लोग हैं। जैसे हमने कहा भाई साहब हमारे लिए सड़क के लिए परेशानी है, यहाँ सरपंच कोई काम नहीं करता है, केवल कागजों में करता है। अभी आप इस पर अभी मैं आप फूल को अगर आपको दिखा दूँ नरेगा की साइड पर, तो अभी 11 लाख का ये आप जो पीछे खड़े हैं इसका पेमेंट हुआ है, 11 तसला ये गांव वाले खड़े हैं, अगर 11 ककरा भी मिट्टी डली हो तो ये भ्रष्टाचार तो ग्राम पंचायत के लोग कर रहे हैं। तो आपके अधिकारियों ने, आपके विधायक जी ने, आपके जो लोग हैं पार्टी में हैं या पार्टी के जो जो सरकारी कर्मचारी हैं, किसी लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लिया? एक्शन कैसे ले सकते हैं ये बताइए, यहाँ के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, जिला अध्यक्ष अखिलेश याची जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, तो यही तो जातिवाद है। कैसा जातिवाद है? न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। डॉक्टर अगर प्रयास करते भी हैं शिष्यपाल तो उनको बदनाम करते हैं उल्टे, यहाँ तक कि यहाँ के अनिल पांडे ने तो मेरे प्लाट पे जब कब्जा करवा दिया खुद के ड्राइवर से, मेरी पटेती जमीन पे जब मैं कोरोना में एडमिट था, भर्ती था। ये यहाँ की स्थिति है, सच्चाई में हर चीज प्रमाण और डॉक्यूमेंट के साथ दे सकता हूँ। उस शिष्यपाल यादव ही एक विकल्प है, क्योंकि यहाँ देखो कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस ढूंढती है कि सबसे ज्यादा अपराध किसने किए हैं, अपराध प्रवृत्ति के लोग पदाधिकारी, जैसे अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी वालों ने कार्यवाहक अपना जिला अध्यक्ष बनाया है, उसके ऊपर कितने अपराध है मैं दिखाऊँ आपको,
आप है नहीं तो नहीं तो दूसरा आप थाने में जाके पूछ सकते जिला बदल की कार्रवाई तमाम इतने अपराध हैं गुंडों को अब आप मतलब उनकी तो योजना ही अभी से है रणनीति अभी से बगल का गांव मुंडी है जहां लाल कुशवाहा की पकड़ हुई थी बिंदु संतोष चतुर्वेदी की हत्या हुई थी शेषपाल यादव के परिवार ने शेषपाल ने तो चुखज्जा नहीं मारी अब यार तो अब आपको मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है किसकी सरकार मध्य प्रदेश में ऐसा है कि मैं ओबीसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ ओबीसी संगठन पर काम करता हूँ तो हम लोग तो पूरे मध्य प्रदेश का बहुत चौंकाने वाला समीकरण आएगा काम करने वाले हर विधानसभा में 5 से 50 हज़ार तक के वोटों का हेरफेर करने वाले हम लोग गोपनीय स्तर से अपना काम कर रहे हैं और ये मान के चलो कि हम लोगों की मांग है ओबीसी के नाते कि ओबीसी के जो हक अधिकार हैं संविधान हक अधिकार हैं वो हमारे हमें दिए जाएं जो भी हमारी इस बात को उठाएगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे ये हम लोगों का भी ये मूवमेंट चल रहा है और हम लोग भी हर ज़िले में हमारी पूरी योजना यहाँ तक कि हमारा संगठन तो 22 राज्यों में काम कर रहा है इतना बड़ा संगठन गणेशी नायक की बात हो रही थी गणेशी हाँ अच्छा अच्छा गणेशी नायक का देखो वो इतने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नहीं उभर के आ रहे हैं सामने अभी नहीं लग रहा है कोई ना इतने दमदारी से क्योंकि उनके विकल्प के तौर पर जब सुनील नायक जी की हत्या हुई तो भाभी जी को यहाँ की जनता ने फुल समर्थन दिया उन्हें समय दिया कि आप अपने जो यहाँ के सामंत शाही हैं उनको आप ख़त्म करिए वो काम नहीं कर पाए उनका काम आज डॉक्टर शिशपाल कर रहे हैं अपने कार्यकाल में वो सुनील नायक जी की प्रतिमा स्थापित नहीं कर पाई जो कि डॉक्टर शिशपाल ने की वो उनका काम है तो उनको 5 साल दिया देने के बाद वो कहीं खड़े नहीं उतरे ग्राउंड में तो और यहाँ बीजेपी मैंने पहले ही कहा पिछली बार बीजेपी के अभय यादव जी चुनाव लड़े थे कितने वोट मिले 10,000 एक बार प्रेमचंद जी जन्म लड़े थे चुनाव इनको छोड़ के अगर अनीता जी को कितने वोट मिले 6,000 एक बार सुरेंद्र सिंह राठौर लड़े थे तो 25,000 तो यहाँ कोई भी आदमी चुनाव लड़ ले 5,000 अधिक से अधिक 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं है विकल्प में केवल शिशपाल के अलावा कोई सीट निकालने वाला नहीं है। चलिए तो इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर चाचा क्या नाम है कैलाश राजपूत तो राजपूत जी इस बार क्या लग रहा है चुनाव में चुनाव में हमें तो जो लग रहा है शिशपाल ही जीते तो ऐसा क्यों लग रहा है कि शिशपाल ही जीते अब ऐसे कैसे लग रहा काम करवा रहे देखो तो कितनी योजनाएं ले आ दी उन्होंने ढेर योजनाएं कह दी लेकिन वहां से हम लोग गाँव के एंड से लगा के पंचायत में आओ सो अनिल पानी है वे सिमरा के तो बिखाया ही को पूरा पैसा काड़ काड़ के ईवाल को रोड़ी फिर ईवाल के नपा दे तो ईवाल से फिर नपा दे इनके दुआए से हमारे दुआए तक नपा दे बेउ रोड और तुम्हारे दुआए से इनके दुआ तक नपा दे बेउ रोड एक ही रोड और पैसा काड़ काड़ के पूरे खाला तरंजा 20 बनवाई और एक तला जाए पानी ने कितना बनवाई जितने ऊँचा है उतना तला जाए बनवाई जी तनक माटी लगने जकाल देने पूरे तो आप लोगों ने उसकी कभी शिकायत अपने विधायक जी अरे हमारे सरपंच जी पुराने बैठे इन जबलपुर तक लगा दें को नहीं सुना सब बके हुए है सुनाते ही नहीं को तो अब की बार आपको किसकी सरकार और प्रतिपुर से किसको विधायक हम तो देखो शिवराज सिंह को सर चौथ मुख्यमंत्री और इतने चाऊ विधायक जी को निंजा शिशपाल को और जय काम सही कर रहा है कहो कितने पैसा दे रहा है 50,000 दे रहा है हमें तो जरूरत ही नहीं हम पड़े पड़े खाए सही में ना हम कोई काम कर रहे हैं ना कछू कर रहे हैं योजनाएं सिर्फ योजना ही को खाए हमारे साथ 6-7 भज्जा है और 6-7 जनीमान से सबके पैसा आ रहा है 1500 हाँ सबकी जमीन है सबके नाव और सब नए हैं कोनो बूढ़े रंजा के लिए पिताजी हैं सुन खून दुनिया पेंशन मिल रही एक तरफा लहर कांग्रेस की कहा चल रही पूरे प्रदेश में माहौल बन रहा अरे ये ऐसी तो चलती है जैसे ऐसा थोड़ी है कि जैसे ब्याह हो जाए तो गाड़ी तो दूर बदलते हैं आज इतनी भीड़ है सिमरा में सो भीड़ तो खाना बट रहा खाना बटन तो हम बांटे देते थे खाना सो पैसा बटे सुबह तो गाड़ी तो हर आदमी दो सिंह राठौर में बहुत भीड़ होता है हम भी पैसा ले अरे सो तालाब पे खाना और पैसा बट रहा हूँ 200 कोने 500 मिल रहे तो मंजूरी मिल रही जा रहे प्रेम से वो खाते हुए भाग जा रहे वोट तो सुशपाल बच्चा बोले ने ऐसी भीड़ है सिर्फ देख भी होते जात वो खाना खा भी वो पैसा ले भी हलवा हलवा नितिन को खा रहे वोट कौन दूसरी जगह वोट तो ना कैसे सुशपाल को देने अब जनता का सिर लिए ये तो जनता का आने लगो कि कीड़ा खाने काऊ के वोट देने कीड़ा खाने काऊ के वो वोट देने सुशपाल की। चलिए तो इस समय हम लोग मौजूद थे सिमरा ग्राम पंचायत के एक वार्ड में जहां तमाम लोग थे और तमाम लोगों से चर्चा हुई और तमाम लोगों ने कहा कि शिशपाल सिंह यादव पर इस बार वो मुहर लगाने वाले हैं लेकिन ये मान के तय चला जा रहा है कि नितेंद्र सिंह राठौर को किसी भी स्तर पर कमजोर कैंडिडेट नहीं मान सकते क्योंकि पिछली बार हुए चुनाव में इसी तरीके से मीडिया के हवाले से खबरें निकली लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी की कहते हुए दिखाई दिए लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आता है तमाम नितेंद्र सिंह के आरोप भी लगते हैं लेकिन उसके बावजूद मात्र 16,000 वोटों का अंतर आता है 60,000 या 61,000 के आसपास वोट नितेंद्र सिंह राठौर के आते हैं तो वहीं 76,000 लेकर शिशपाल सिंह यादव यहां से चुनाव जीतते हैं।
जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, उनके तमाम मंत्री मुख्यमंत्री की 7 जनसभाएं होती हैं और उसके बाद रोड शो भी होते हैं और उसके बाद मात्र 16,000 का अंतर आता है। अब चुनावी समय फिर से आ चुका है और कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लहर भी देखी जा रही है और अभी आने वाला समय बताएगा कि जीत किसके पक्ष में होती है और हार किसके पक्ष में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जब आप कह रहे हैं कि इनके 16,000 से जीते थे जी, ज्यादा से जीते नहीं थे, लेकिन 45,000 से भी तो आए थे उनके वोट, जब इतना कछु नहीं हती सपा थे हती का, जब 45,000 तो उनको निजी वोट है सिसपाल को, अब उन्हें तनक जीत के लाने का डर देख के था, 10-15,000 वोट तो भी करे भाई साहब। आपसे झूठ नहीं गया, आप यहाँ रोड पे जाओ, कोई लड़ा लूड़ा हो किसी जगह ना विधायक कैसा है वो के हमारे इतने निजी व्यवहार है वो तुरंत फोन लगा के बात करा दे आपकी, एक भी कोई भी आ जाए तो हर आदमी से बात करा दे आदमी। अरे आप उनसे इनसे पूछो सिसपाल आ गए सुबह एक सीट गए सिसपाल के आवेश में गाँव गाँव गली घर सुनो खाना खाओ सीख गए नहीं तो घर से नहीं करते विधायक तो बन नहीं। चलो विधायक जी अंदर है, विधायक जी नहीं कर रहा है, दिन भाई सूर्य आशीषपाल को अंदर से पकड़ लिया, राजा भाई निकल गया है, सीधे भीतर पड़ जाओ पकड़ के बाहर कर ले आओ भैया विधायक हमने बनाओ थे आओ। नितिन से कहने का चुनाव नहीं लड़ो तुम को बाप जानो, मैं तो घर बैठ गए अमर महल में, वो तो आराम से अपनी दुकानदारी कर।